देखिए, जिस प्रकार से हमारे विश्वविद्यालय में चाहे सीसीटीवी हमारी सुरक्षा का, बहनों की सुरक्षा का मसला हो, चाहे वो डाइनिंग का मसला हो, चाहे वो हमारे ट्रांसपोर्टेशन का मसला हो, इन सारे मसलों को लेकर इस बार सिलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे जो विश्वविद्यालय है वो एक गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है, तो इस बार भी हमें उम्मीद है कि हमारा विश्वविद्यालय का तलबा अपने डिसीजन खुद लेगा और वो इस बार दोबारा से अपनी गंगा जमुनी तहजीब को पूरी दुनिया के सामने पेश करेगा और एक इतिहास कायम करेगा। जिस प्रकार से हमारे जो पहले स्नातक ईश्वरी प्रसाद थे, उसी प्रकार से इस बार भी उम्मीद है कि इस बार मुझे, मैं सोनवीर सिंह को उपाध्यक्ष पद के लिए चुनेंगे। तो हमारी अलीगढ़ की तहजीब थी, सर सैयद का विजन था, उनका मिशन था, उसको इंशाल्लाह ताला वापस लेके आना, जो कहीं ना कहीं आज हमारे हाथों से खोता जा रहा है। दूसरा मसला यहाँ पे माइनॉरिटी करेक्टर का है, इंशाल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए काम किया जाएगा, एक अच्छी लीगल टीम बनवा के इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में भिजवाया जाएगा, ताकि हमारे मुद्दों को, हमारी बातों को पूरी बहुत अच्छी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने रख पाए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पिछले लास्ट एक साल में आपने देखा है किस तरीके से यूनिवर्सिटी को जो है बदनाम करने की कोशिश की गई है और कैसे आरोप, झूठे आरोप लगाया गया, घेरने की कोशिश की, मगर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने अपनी योग्यता का, अपनी सलाहियत का परिचय देते हुए उन सभी जो झूठे आरोप हैं उसका खंडन किया। और इस बार क्योंकि हमारे इस देश ने हमेशा देश को देश प्रियम रहा है, 4 राष्ट्रपति दिए हैं हमने, और हो सकता है इस बार भी अगला जो हमारा नेता हो वो भी देश को रिप्रेजेंट करे, ना कि केवल यूनिवर्सिटी को करेगा।